Hey guys, कैसे आप सब। तो आज है गणपति पापा का डे वन और अपने पापा देखो पीछे बैठे और हम तीनों भी यहाँ पर ही है। फिलहाल आज का व्लॉग उदित और ओजस बनाएंगे। बनाओ भाई, ये लो। Hey guys, कैसे हो अपने गणपति पापा है, आप भी कर सब कर लो गणपति पापा। बोलो बोलो। हेलो गाइस। हेलो गाइस। गाय नहीं गाइस। हेलो गाइस, कैसे हो? अच्छी बोलती। सो गाइस, अभी आ गए हम लोग अद्वय के पास। इस बार उनकी गणपति देखो कितनी मस्त प्यारी सुंदर है। हाइट क्या होगा भाई? 4.5 साढ़े चार फुट की है। बाप रे, और ये घर पे लेके जाएंगे। इन लोग का डेकोरेशन भी देखने जैसा रहे। बस अपन गणपति के पास है। मूर्ति ऊपर देखो। सो गाइज, अभी फिलहाल मैं आ गया अद्वय के घर पे से। मैंने वापस से चेंज, क्योंकि मेरा कुर्ता ऐसा भीग गया था, ऐसा लगा मैंने कुर्ते के ऊपर से नहा लिया, इतना भीग गया था मैं। और सीरियसली गणपति बहुत हैवी थे, 100-200 किलो शायद था, ज़्यादा वेट था, बहुत ज़्यादा वेट था। और 5 फुट की गणपति पापा जी, आपने देखा ही कैसा था। और इतने कंजेस्टेड जगह से हम लोग लेके आए, बहुत टफ जॉब था। फिलहाल तो अभी हम लोग आ गए, अभी घर की आरती करते हैं। अभी हम लोग घर पे नॉर्मली छोटा सा आरती करेंगे सुबह, एंड रात को बड़ा आरती होता है, ठीक है। तो फिलहाल आरती में चलते हैं गणपति पापा के। एंड आपको अभी गणपति पापा के लिए भोग तैयार हो रहा है। मम्मा क्या क्या है भोग में? अभी रेडी कर दे, 2 मिनट ब्रेक कर दो। अच्छा, मेरा भी वीडियो ले। हाँ। क्या क्या है बताओ? चावल है। हाँ। मटर का छोला है, मिक्स भाजी है, मोदक है, दही है और लाडू है। तो गाइस, अभी हम लोग खाने वाले खाना तन्मय बाजू में बैठे हैं और ये भोग है गणपति पापा का। मैं तो यही खाता हूँ, बहुत मजा आता है। और स्पेशली जो बनाना लीव्स पे जो खाते हैं ना भाई, इसका टेस्ट ही अलग होता है। Oh, God.
गाइस ये है अपने सावरपाड़ा से राजा डे वन। अभी मेरे को टाइम मिला एक्चुअली, तो मैं आया आप लोग को दिखाने। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और से ब्लॉग में। आज है डे टू गणपति बप्पा का। हम लोग आए सामान लेने और आज बहुत लेट दिन की शुरुआत हुई है, 1 बजने आए। अभी डायरेक्ट हम लोग आरती में चलेंगे घर पे। मैं कुछ पार्टी पॉपर्स एंड सामान, क्योंकि विसर्जन भी आज, तो सब सामान लेने आया था तन्मय के साथ। बड़े लोग बड़ी बातें। फिलहाल चलते घर पे एंड आरती इंजॉय करते हैं। चलो भाई। तो गाइस अभी आरती हो गए। मैं और तन्मय आज अभी ढोल और ताशा बजा रहे थे, बहुत डेंजर। कल रात को मैं लेट हो गया, हम लोग को 1:30 बज गया था जिसका जुगाड़ करके उसको बनाया। अभी उन्होंने बजाया, उसको वीडियो नहीं दिया। फिलहाल अभी सिर्फ आरती हुआ है, फिर उसके बाद अभी खाना खाने बैठ रहे। फिर अभी अपन जाएंगे कार को रेडी करने, तैयार करने, डेकोरेशन करने। आराम से करना कार कार। हाँ, और मेरा शिष्य अच्छे से बजा रहे हैं, मेरे को खुद ही होती है। भाई साहब उसे उस दिन आगमन के दिन इसको लग गया था, गिर गया था। देखो कैसा ये पैर उसका फूट गया। अगर जैसे गणपति आए ना, ये हर साल का आगमन में ना इसके पीछे कुत्ते दौड़ते ही है और ये हमेशा दौड़ते दौड़ते गिरता है। 2 साल से हो रहा है, इस बार भी गिरा, लेकिन खून लग बहुत खून आ रहा था। भाई साहब तब भी बहुत बजाया उसने ढोल, एक नंबर। क्या है सिस्टम है, एलबी से यादव सिस्टम है। और पांडू ठीक है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सिस्टम। छोले भटूरे चल रहे हैं एकदम से। सो गाइस अभी हम लोग खाना खा के आ गए हैं। अभी गणपति बप्पा कभी आए और अभी कभी आज शाम को चले भी जाएंगे, मालूम नहीं पड़ने वाला है। तो अभी हम लोग अभी दोपहर भर तो इधर ही बैठने वाले हैं और हम लोग सोचे थोड़ा भजन कर दे, क्या बताओ? अच्छी भजन आते है? भजन मेरे को आता है। तू ढोल बजाना, आप मंजीरा बजाना, उदित मंजीरा बजाना। कैसे बजाएगा? ठीक है, तो अपने पापा मस्त बैठे। आज शाम को उनसे बहुत बात करूँगा। अकेले में काम कर रहा हूँ, विसर्जन होगा ना उसकी थोड़ी देर पहले ना सबको बाहर निकालूंगा और पूरा रूम बंद करके उनसे मेरे को बहुत कुछ बात करना पड़ेगा। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति उंदीर मामा की। सो गाइस हम लोग बहुत देर से मस्त हम लोग ने वो किया, आरती का मजा आ गया। आज तो भाई ने मजा लिया, भाई ने माहौल रोला जमा दिया एकदम है। भाई का एकदम एकदम वन साइड खींच लिया भाई ने, मतलब भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? और भाई एक नंबर है। तो अभी फिलहाल एक मस्ती मजाक अभी सब आगे। अभी अपन जाएंगे कार को डेकोरेट करने, क्या बोलो? अच्छी कार को डेकोरेशन करेंगे। बहुत लोग का याद आ रहा है, बहुत लोग नहीं आ पाए, बहुत लोगों का याद भी आ रहा है। बचा बचा के हाथ। तो अभी अपन चलते कार को डेकोरेशन करेंगे थोड़ा। क्या कर रही तू?
सो गाइस अभी हम लोग ना पूरा चाली में हम लोग ना अभी पूरा सेटअप करने वाले हम लोग का। देखो एक ये स्नेयर लेके आए, एक ये बेस ड्रम लेके आए, नाशिक ढोल उधर पड़ा है, ताशा उधर पड़ा है, डफली भी इधर की तरफ एक और ताशा आ रहा है। पूरा बेंजो सेटअप किसका जरूरत ही ना, अपन लोग खुद ही बजा बजा के गेम बजा देंगे। अभी फिलहाल तो मैं सुबह से इसी चड्डी में घूम रहा हूँ, अभी मैं जाऊँगा कुर्ता और पहनता हूँ, नहाने का मन हो रही है एकदम से, मैं नहा रहा था क्या, थक गया हूँ ना एकदम और कुछ नहीं। 50 जगह जाके सब इंस्ट्रूमेंट जमा कर करके ला रहे हम लोग। अभी फिलहाल देखते क्या सीनियर, अभी गाड़ी भी अभी वो करना है, तैयार करना है, तो गाड़ी तो रफीक अंकल लोग और पापा लोग तैयार कर देंगे, बाकी अपन देखते। चलो गणपति बाप्पा सब। आरती वारती हो गया है, अभी गणपति बापा को थोड़ा वहाँ से ही रहेंगे उनके जगह पर से, और अब यहाँ पे पूरा बैंजो सेटअप हो रहा है। बैंजो सेटअप Yeah.
दिसंबर ये भाई आपके बैंड का नाम क्षितिज माझे लारू के मोरियाला माझे लारू के मोरियाला दुर्वाशमी फूल जास्वंदीचा नैवेद्य एकवीस मुदकांचा माझे लारू के मोरियाला माझे लारू के मोरियाला समिंदराची लाट देवा पाहते तुमची वाट ढोलताशाच्या या गजरात देव निघाले थाटा मटात या चरणी तुझ्या हे देवा ठेवा तो जीवन आमचे हे तू निरोप तुमचा देवा तुम्ही सदा सुखी आमदेवा बाप्पा मोरया 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 रे 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 माझा मोरया 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 रे माझा मोरया गणपति अप्पा थे एंड अभी पूरा का पूरा मंडप खाली है। इतना ऐसा अजीब सा वियर्ड फील आ रहा है ना। अभी दो घंटे पहले ही आरती चल रही थी, बहुत सब धूमधाम से हो रहा था एंड अभी सब शांत है, पूरा चाली शांत हो गया एकदम। ऐसा अजीब फील आ रहा है। अभी मैं व्लॉग को एंड करूँगा, मेरे में भी अभी दम बिल्कुल बचा नहीं है, व्लॉग को एंड कर देता हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, गणपति अप्पा मूर्या जरूर लिखना। एंड हाँ, इस बीच में गणपति अप्पा के दो दिन में हमारे 800 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, यानी अब अपनी 800 मेंबर्स की फैमिली हो चुकी है सब्सक्राइबर्स के साथ, ठीक है। तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, गणपति अप्पा की कृपा से हो गया। अब जल्दी ही 1000 हो जाए तो उस पर बड़ी पार्टी करेंगे। एंड जय श्री राम। रिकामे झाले घर, रिकामा झाला मकर, पुढच्या वर्षी परत यायला निघाला माझा लंबोदर।